लगी मेन गोड़ गोड़ अच्छा जी अच्छा ये थोड़ा टमाटर देखो ना 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 होने दो तरीके से ठीक है संबंधित हो गए हाँ जैसे ये हमारी बस पर नियर हो गया 10 को सर बाहर जैसे 10 तरह की पत्तियां होती है हाँ जी आक नीम दतुरा कनेर असोगंधा और कड़वे पत्ते जिनको पशु पक्षी नहीं खाते वो उसका ये हम उबाल के काटा बना के रखते हैं कीड़े मकोड़े पेस्ट जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनसे बचाने के लिए पूरी फर्टिलाइजर के तौर पर जो अपना गोबर गैस प्लांट की जो सैलरी आती है और ये नीम ऑयल तो लगभग इन्हीं चीज़ों से जो है ना अपनी जो घर की अपने आसपास के वातावरण में जो चीजें मिल जाती है उसी से हम ये तैयार करने की कोशिश करते हैं ठीक है सर तो मैं जी खाद का ज्यादा खेल लगा मुझे क्योंकि जरूरी है कि जहर मुक्त सब्जियां खाई जाए और जो आपको खाने में शरीर को नुकसान ना करने के कुछ फायदे ही दें उस चीज़ के लिए तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपने घर पे उगाना शुरू करें या आप अपने छत पे उगाएं लॉन में उगाएं या टेरेस गार्डन पे उगाएं या किचन गार्डन जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल हो आजकल मेट्रो सिटीज़ में सबसे बड़ी समस्या स्पेस की रहती है जहाँ भी आपको मिले गमलों में उगाएं ग्रो बैग में उगाएं ड्रम में उगाएं लेकिन जितना भी हो संभव हो उसके कोशिश करिए मैं मेरे घर की लगभग 70-75% सब्जियाँ घर की अपनी छत पे उगा लेता हूँ और सीजन की सारी सब्जियाँ मैं उगाता हूँ शिमला मिर्च टमाटर बैंगन भिंडी गाजर मूली पालक धनिया मेथी शलगम खीरा गर्मी वाली जो सब्जियाँ आती है उसके अंदर सारी बेल वाली सब्जियाँ करेला है ककड़ी है तरबूज खरबूजा पेठा ये सब चीज़ें मैं उगाता हूँ उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हर्ब्स पे भी ट्राई करता रहता हूँ जैसे 4-5 तरह के बेजिल मेरे पास हैं और उसके बाद में आपके जितने भी मतलब जो अपने यहाँ मौसम साथ देता है वो सारे हर्ब्स मैं उगाने की कोशिश करता हूँ सागे है और अश्वगंधा है एक आपका ओरिगेनो है सलाद वगैरह जो है लीफी वेजीज है वो भी मैं उगाता हूँ सेलरी लेट्यूस केल ये सब भी मैं सीजन के हिसाब से सारी चीज़ें उगाता रहता हूँ तो सर कितने टाइम से आप ये उगा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव आपकी हेल्थ पे परिवार की हेल्थ पे और लोगों को किस प्रकार से इसे प्रेरणा लेनी मैं 2008 से कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ धीरे धीरे पहले मेरे को ये शौक तो बचपन से ही है क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पर मैं हाथ आजमाता रहता था धीरे धीरे कॉलेज में चले गए उसके बाद बिजनेस में आ गए तो थोड़ा सा बीच में छूट गया था लेकिन उसके बाद जब कभी गांव में जाना होता था तो वो गांव की सब्जियां खा के और शहर की सब्जियों का जो अंतर नज़र आता था तो मेरे से रुका नहीं गया फिर उसके बाद मैंने दोबारा से 2008 में ये सब्जियां अपनी छत पर उगाना शुरू कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू
मतलब शुरू शुरू में तो घर वालों ने भी थोड़ा सा टोक टाक कि कैसे ही लगा रहता है पागलों की तरह, कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जब उनको सब्जियों का टेस्ट जुबान पे चखने को मिला, चस्का लगा उनको, तो फिर उनके बाद वो सब घरवाले भी मेरी मदद करने लगे। अब कोई ये नहीं कहता कि भाई, बल्कि अब तो घर में कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो सबसे पहले छत दिखा के लेके आते हैं कि भाई चलो आपको हमारा खेत दिखाते हैं पहले। और सर, ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो आप लगभग किस प्रकार से जो आपकी सब्जियों में